अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेरी सॉरी कि मैं बहुत गैप के बाद जो है वो कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आज की सुबह हमारी स्टार्ट हो रही है लेबन से, और जैसे पाकिस्तान में नमकीन लस्सी होती है, बस ये थोड़ी थिक होती है, तो इसको हम पानी डाल के जो है ना वो पतला कर लेते हैं। और हमारी रूटीन में ये जो है ना वो ज़रूर यूज़ होती है। इसमें लो फैट, फुल फैट, फ्लेवर्ड, हर फ्लेवर की आपको ये लेबन मिल जाएगी यहाँ से, और बिल्कुल फ्रेश होती है। और मैं इसको कढ़ी वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। तो एनीवे जी, इसके अलावा आज बहुत सारे काम हैं मुझे जो मैं करूँगी, और साथ साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी। लाइफ आजकल थोड़ी सी बिज़ी चल रही है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने सामान करवाना है कार्गो। कार्गो वाले घर ही आके ले जाएंगे सामान, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं जल्दी जल्दी पैक कर लूँ इसको। आज इंशाल्लाह हम लोग इसको भिजवा देंगे। और कपड़े वगैरह हैं, जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि मेरी फैमिली यहाँ होती थी, तो अब वो फाइनली चले गए हैं पाकिस्तान, तो उनका कुछ सामान है, बच्चों के कपड़े वगैरह और शूज़, बैग्स वगैरह, स्कूल बैग्स, कुछ यूज्ड हैं कुछ अनयूज्ड हैं, तो ये सब सामान भिजवाएंगे। साथ साथ मैं बना रही हूँ चाइनीज़, और बहुत मज़ेदार सा चाइनीज़ बन रहा है। चाइनीज़ में शाश्लिक या मंचूरियन बनेगा, और साथ में बनेंगे एग फ्राइड राइस। मुझे और जिशान दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं याद कर रही थी मेरे फादर इन लॉ को भी लिबन जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, और वो उसमें मैंगो फ्लेवर बहुत शौक से पीते हैं। तो अक्सर हम यहाँ से जाएँ, या अभी वो आए भी हुए थे कुछ अर्सा पहले, तो उनके साथ हमने बहुत सारी भिजवाई थी। तो अच्छा जी, ये साथ कुछ बर्तन हैं जो गंदे पड़े हुए हैं, थोड़े से ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो बस जल्दी जल्दी धो के इनको भी मैं फ्री हो जाऊंगी, और फिर मुझे होना है रेडी, क्योंकि फाइनली हमें घर मिल गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम उसकी लेने जा रहे हैं चाबी, और चाबी लेके तो फिर हमें घर को क्लीन वगैरह करवाना है, नेट लगवाना है, और ये छोटे छोटे काफ़ी सारे काम हैं, एसी वगैरह सब फिट करवाने हैं। तो ये सब जो है ना इंशाल्लाह आज चाबी लेंगे तो कल ज़िशान ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि हमें इसी मंथ में 15 तक ये घर को छोड़ देना है। तो ये तस्वीर है, और भी तस्वीरें मैंने ऐड करनी थी लेकिन शायद मैं भूल गई। सामने है औद का पहाड़, और ये तो आपको मेरे ब्लॉग्स में नज़र आता ही रहेगा, जब मैं बाहर निकला करूँगी तो ये नज़र आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और माशाल्लाह हर जगह से ही नज़र आता है। तो मदीने वाले शहर में फिरते फिरते इन सब चीज़ों को देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, और अपने रब का जितना शुक्र।
मैक्स सबसे अच्छा रहता है, तो मैं तो इसी को प्रेफर करती हूँ। अब रोते हैं ना क्यूज़े। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ज़िशान का तो मीटर भी शॉर्ट हो गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आदमी थोड़ा ये शॉपिंग वगैरह से भागते हैं, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी जो है वो हस्बैंड्स के बिना आप ब्रेड लेने भी नहीं कहीं जा सकते, ऐसे कोई मना नहीं है, लेकिन बस यहाँ का एक सिस्टम इस तरह से बन चुका हुआ है, तो फिर इनके बिना नहीं कोई काम चलता, तो इनको बेचारों को भी हमारे साथ मजबूरतन शॉपिंग करनी पड़ती है। और मैक्स से निकलते निकलते हमें देर हो गई और इशा की अजान स्टार्ट होने वाली है, और ये जो शॉप्स आपको नज़र आ रही हैं ये बस बंद ही समझे इनको, क्योंकि यहाँ पे हम नया ऑर्डर कुछ नहीं कर सकते, जो लोग अंदर हैं बस उन्हीं को वो लोग फ्री कर रहे हैं। तो इशा का टाइम है और इशा की अज़ान को तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है, तो बाहर का नो चांस है, इसलिए हम घर जा रहे हैं और घर जाके चाइनीज़ इंजॉय करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक काम और रह गया है, वो करने वाला है। फ़िलहाल तो हमने खाना खा लिया और अब हम चाय बना रही हूँ, मैं चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद अगर तो हिम्मत हुई तो हम बाहर निकलेंगे, वो इसलिए कि आज मेरी बर्थडे है और केक लेना था हमने, लेकिन वो केक के लिए शॉप्स बंद हो गई थी, तो अगर हमारे में थोड़ी सी भी हिम्मत हुई तो हम इंशाल्लाह केक लेने के लिए ज़रूर जाएंगे। वैसे आप घर आते हैं तो आपकी आधी थकावट उतर जाती है और आप फ्रेश हो जाते हैं, और जब चाय पी लें फिर तो क्या ही कहना। जब ये मैं अपलोड करूँगी उस वक्त तक तो इन सब बातों को काफ़ी दिन गुजर चुके होंगे, तो लेकिन कोई बात नहीं, आप देखें और इन्जॉय करें और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह केक लेकर आते हैं और फिर आपके साथ इकट्ठे ही सेलिब्रेट करते हैं अपनी बर्थडे को। हाइपर पांडा और बिन दाऊद के बाद हम लोग चले गए थे सदादीन बेकरी, और यहाँ पे ये एक मेरे ख्याल से सऊदी बेकरी होगी डेफिनेटली, थोड़ी सी जो है ना बाकी की बनिस्बत इसके रेट्स थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन चलें साल में एक दफ़ा तो चलता है। तो हमने वहाँ से केक लिया और ये केक है ज़िशान की पसंद का, क्योंकि ज़िशान ही गए थे शॉप पर और लेकर आए हैं, और खाने में बहुत मज़ेदार था। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अब मैं अपने व्लॉग को वाइंड अप करती हूँ और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।